बढ़ावा दे सकता है। इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डेटा इंफोसिस लिमिटेड के फाउंडर एवं सीईओ श्री अजय डेटा जी। अजय डेटा जी के बारे में मैं आपको क्या परिचय दूँ, ये जो है इंटरनेशनल मिलेनियम गोल्ड स्टार अवार्ड के विनर हैं, डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आईटी से भी इनको नवाजा जा चुका है, ऑनरेरी अपॉइंटमेंट टू द रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स ऑफ अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट यूएसए। इसके अलावा ये फाउंडर रहे हैं टाई और सीईओ के। मुझे भी पता नहीं है कौन का मैं खर्च हो रही हूं। स्वागत है आपका सामाजिक सरोकार। थैंक यू। अजय जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया जो है किस सोच के साथ लॉन्च किया गया था? मेक इन इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच है देश के लिए, जिसके थ्रू हम अपने आप डिपेंडेंट बन सकें, हमारे देश में ही सब कुछ बने, हमारे देश के लोग बनाएं, फॉरेन करेंसी हमको जो चीज़ यहाँ प्रोड्यूस हो सकती है वो यहाँ से नहीं जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और हम स्वावलंबन वाली बात है, खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ये बहुत बड़ी सोच सही है। बिना फोकस के पूरा कुछ नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस पर फोकस डाला है और इसके परिणाम बहुत अच्छे नजर आ भी रहे हैं और आएंगे। अजय जी, लॉन्च होने से पहले और अभी जो है इस टाइम डेढ़ साल का समय लगभग बीत गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस डेढ़ साल में कितना हमने प्रोग्रेस किया है? डेढ़ साल तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगर अपन देखें आज़ादी के बाद 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये सोच चालू हुई है कि हम डिपेंडेंट रहें, अभी भी गुलामी में ना जी। मेक इन इंडिया एक बहुत ही अच्छी सोच है, जिसके द्वारा आज हम ये चर्चा भी कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया चल रहा है, ये भी अपना अपने एक विषय है। हमने 7 साल में इस बारे में चर्चा नहीं की। ये एक इम्पोर्टेंट विषय है कि हम यहाँ पर प्लांट लगाएं, यहाँ पर प्रोड्यूस करें, यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाएं और खुद के डिपेंडेंट हों। अगर हमने देखें सेंटिमेंट भी चेंज होना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो अजय जी, जैसे आप टाई और सीईओ के प्रेसिडेंट रहे हैं, आप जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं क्या है ये और किस तरह ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। ये सिर्फ वो इंसिडेंट्स नहीं है कि मेक इन इंडिया अनाउंस हुआ है, इसकी तरफ जो पुश है बहुत सालों से चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रूप में चल रहा है। इसको नाम दिया गया मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन टाय ने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है। पिछले 17 साल से अगर हम देखें, टाय ने हम पर वर्किंग चालू की है। 2000 में चालू हुआ ऑफिशियली, लेकिन 99 में इसको चालू कर दिया था। 2000 से जब चालू हुआ है, 2000 से हमने इसके ऊपर वर्किंग चालू की कि हम एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनाएं। एंटरप्रेन्योर्स बनाने का मतलब ये है कि लोग नौकरी ना ढूंढें, लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, लोग जॉब दें, लोग नौकरी ना ढूंढें। इसके लिए टाई ने काम किया और स्कूल स्कूल जाकर के, कॉलेज जाकर के लोगों को मोटिवेट किया कि आप रोजगार देने वाले बने। ये मेक इन इंडिया की एक शुरुआत मान के चल सकते हैं आप, कि अगर कोई आदमी रोजगार देने वाला बनेगा तो वो कुछ ना कुछ एक नया लेके आएगा मार्केट में, कुछ ना कुछ एक सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, चाहे वो बाहर से ही सीख करके आए लेकिन इंडिया में खुद बनाएगा। उसी का नतीजा ये है कि लोगों ने टाइप्स किए, अलायंसेस किए और आज मोबाइल्स कंप्यूटर्स अगर अपन देखें यहाँ पर बनने लगे, यहाँ पर अपनी खुद की मशीनरीज बनने लगी जो हम पहले इम्पोर्ट करते थे खुद, तो हमारे पास बहुत कुछ मेक इन इंडिया आने लगा। ये भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है टाई का। ईओ जो प्लेटफॉर्म है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसको मेक इन इंडिया से ज़्यादा लिंक नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपस में सीखने के लिए प्लेटफॉर्म है। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर पीपल नेटवर्क विद पीयर्स लर्न एंड ग्रो, तो इससे माहौल बनता है आपस में सीखने का, आपस में समझने का और आपस में ग्रो करने का। मतलब एक दूसरे की अच्छी बातों को वो सीखते हैं और या सिखाते हैं उसके को, टेक्निकली भी उनको डेवलप करते होंगे। तो ये आपस में जो दो एंटरप्रेन्योर्स है वो सीखते हैं कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मेरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम क्या आप एक्सचेंज कर सकते हैं और आपस में ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से दोनों की भिन्नता भी है और दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अजय जी, दर्शकों में आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये चेयरमैन है पीएचडी सीपीआई के भी, तो अजय जी बताएं कि ये किस तरह का रोल प्ले करता है सोसाइटी में। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की,
इसको बोलते हैं प्रोग्रेस हार्मनी एंड डेवलपमेंट। पीएचडी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस हार्मनी एंड डेवलपमेंट चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बड़ी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, कंट्री में टॉप चैम्बर है और बाकी CIR चुकी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैम्बर है, इनके अपने अपने रोल्स हैं। इसके द्वारा आप इंडस्ट्री और गवर्नमेंट में हार्मनी क्रिएट करके उनको आपस में समझाइश से नॉलेज शेयर करके हम प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये चैम्बर का उद्देश्य है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर देखा जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अनेबल करने के रूप में देखा जा सकता है। चैम्बर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट को क्या समस्याएं हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री को क्या समस्याएं हैं गवर्नमेंट से, इनके बीच में सामंजस्य बैठाना, इनके बीच में हार्मनी लाना, ये चैम्बर का काम है। तो इसी से मुझे ध्यान आ रहे हैं चैलेंजेस कि मेक इन इंडिया में जो है वो चैलेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल रही है। मेक इन इंडिया में चैलेंज सबसे बड़ा है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो अगर हमने कंड्यूसिव नहीं, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब तक उसको फायदा ना हो इंडस्ट्री नहीं लगाता है। तो अगर हम कहें मेक इन इंडिया गाना गाते रहें और हम यहाँ पर जो फेवरेबल टैक्स रिजीम्स ना करें, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ना लाएं, फेवरेबल सेंटिमेंट ना बनाएं, ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट ना करें, तो मेक इन इंडिया का कोई मतलब नहीं रह जाए। मेरे ख्याल से इस समय सारे कदम हो रहे हैं और कुछ बहुत कमियां भी हैं, लेकिन हम ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, जादू की घड़ी घुमाएंगे और काम हो जाएगा। एवरीबडी इज टाइम, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे के सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें चैम्बर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, टाई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, EO भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ब्यूरोक्रेसी इम्पॉर्टेंट रोल है, जुडिशरी इम्पॉर्टेंट रोल है, टैक्स रिजीम बनाने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उनकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इन सबको साथ में मिलकर के सोचना होगा एक गोल कि देश आगे बढ़े और मेक इन इंडिया सक्सेस हो। अगर मेक इन इंडिया सक्सेस हुआ तो हमारे पास बहुत चीजें सस्ती मिलेंगी, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे और हमें गर्व भी होगा कि हमारे को हमारी चीजें हमारे यहाँ मिलती हैं और हम बहुत रिच और सेल्फ डिपेंडेंट पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी। अजय जी, बस यही आपको रोकना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, आपने कहा अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हुआ तो ये जो अगर है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या? इसलिए अगर मैं, मेरा मतलब ये है कि अगर माला होती है उसमें सारे मोती अगर बंधे रहते हैं तभी वो माला बन पाती है, ना धागा अगर टूट जाए वो कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। तो कड़ी क्या है? कड़ी के अंदर मैंने बताया ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, टैक्स रिजीम, जुडिशरी, आम आदमी, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेबर, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक भी कड़ी इसके अंदर से सही काम नहीं करती है तो हम पूरा रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। हम नहीं कहते हैं घर में एक फंक्शन है तो सब कुछ सही नहीं मर गया तब फंक्शन सही माना जाता है। शादी में खाली वरमाला नहीं होती है, खाना भी खाना है, गेस्ट भी आ जाए, सेफ्टी से आ जाए, सेफ्टी से चले जाए, ट्रैवल सही हो जाए, बारिश नहीं हो ऊपर में तो सो मैंने तीन साल दिया। सर तो ये मेक इन इंडिया में जैसे आपने बहुत सारी चीजों की बात की, इसमें मैं एक बात करना चाहूंगी, अनऑर्गेनाइज स्किल जो होती है किस तरह से उनको हम यूज करें और किस तरह से अंत्योदय जो एंड यूजर है या हर एक आदमी इसका बेनिफिट ले सकता है, वो हम किस तरह उस तक पहुंचा सकते हैं इसके बेनिफिट? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी साथ में लॉन्च हुआ है जी, आप अगर देखें। हाँ बिल्कुल, मेक इन इंडिया का स्किल डेवलपमेंट से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आदमी स्किल्ड है तो उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर वो अनस्किल्ड है तो उसको स्किल की तरफ भेजा जा सकता है। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इस दिशा में ही कदम है कि अगर आपको कभी पढ़ाई नहीं की आपने, अगर आपने कोई एजुकेशन नहीं ली है, अगर आपसे कुछ काम नहीं सीखा है, तो क्या आप एक नया काम सीख सकते हैं? क्या आप एक नई स्किल डेवलप कर सकते हैं? मे बी कारपेंटर, मे बी इलेक्ट्रीशियन, मे बी ये प्रेस करने वाला है, लेबर हुआ, मेजन हुआ, यू आर राइट, सिलाई करने वाला हुआ, मेकअप करने वाला हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो आप भी स्किल डेवलप कर लें और आप ये सोचिए कि आपने अगर कारपेंटर का काम सीख लिया तो मेक इन इंडिया के अंदर टू यू हेल्पफुल। आप इसको इनडायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी फैक्ट्री लगेगी उसमें लकड़ी का काम तो होगा, उसमें बिजली का काम भी होगा, सफाई का काम भी होगा,
अगर आपने वो स्किल लेगी तो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और इंडस्ट्री को ट्रेन आदमी मिलेगा, दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें ही है स्किल इंडिया हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ और मेक इन इंडिया हुआ, तो मतलब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। दो और इंडिया है। तो कौन से इंडिया? स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंडअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जी। तो बहुत सारे इंडिया है लेकिन एक इंडिया में है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे मिशन आ रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये नए नए जागरण आते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का जमाना है, पैकेजिंग का जमाना है, वी कैनॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। सो चाहे हम वही चीज कर रहे थे लेकिन हमें पैकेजिंग को ढंग से करके बेचना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो हम खाली जो काम चल रहा है उसमें जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा फोकस है। स्टार्टअप इंडिया का जो इवेंट हुआ था, मैं वहाँ पर था स्टार्टअप इंडिया में, मैंने इतना बेहतरीन इवेंट सरकार के द्वारा कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया इवेंट था सरकार के द्वारा किया हुआ, बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर देख करके। बहुत मोटिवेट होकर के लोग गए, उसका नतीजा ये हुआ कि वी आर मेंटरिंग, आई पर्सनली मेंटरिंग मोर देन 10 स्टार्टअप्स। अच्छा। इन्वेस्ट भी किया है बहुत सारे स्टार्टअप्स में। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप के साथ में रेन राजस्थान एंजल इन्वेस्टर्स नेटवर्क, उसके माध्यम से बहुत सारे स्टार्टअप्स रोज अप्लाई करते हैं, एवरी मंथ हम उनसे मिलते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। करोड़ों रुपए राजस्थान के एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया का सबों का मिश्रण का ही रिजल्ट है। अरे जी, एक ऑफलाइन का डेटा जो कहीं रफ था मुझे मिला है कि करीब राजस्थान में ही अकेले 600 से 700 के स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट होते हैं, बट वो सारे के सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन होंगे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, मैं सुनने वाले दर्शकों को बता सकता हूँ कि स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि ओवरनाइट आप मिलेनियर या बिलियनर बन जाएंगे। ओवरनाइट आप ऐसी कोई चीज कर लेंगे जिससे पूरा देश चेंज हो जाएगा। आपको ये वर्किंग करनी होगी कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो अब तक किसी ने सॉल्व नहीं की है और वो स्केलेबली सॉल्व हो। ये दो चीजें स्टार्टअप में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व मैं मानता हूँ। अगर आपने ये गुण है कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है जो आप एक टेक्नोलॉजी यूज करके सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। एंड पीपल स्टार्टेड हु हैड नो नॉलेज अबाउट आईटी, they don't exist, they will obviously not exist. You can't copy the product ki puri knowledge hona bahut zaruri hai, passion bhi chahiye, love bhi chahiye aapko uski taraf, aapka commitment bhi chahiye. Commitment just because somebody is successful not does not guarantee your success. aapko apna kya kar sakte hain aap wo dekhna hai. just like we I decided ki I want to make become Virat Kohli for example, or Sachin Tendulkar for example, can I become? Nein. do I know to play cricket very well? Can I commit this much effort? So effort बहुत जरूरी है काम में और passion. जी बिल्कुल. I don't like cricket that much. So I would not be able to take 10 rounds of stadium to play cricket match. अच्छा जी, राजस्थान में जो है ecosystem क्या है startup का? We are lucky to have a very good ecosystem. We have Tire here, we have Rain here, we have Startup Oasis here, we have RBCF here, we have Jaipur Angels here. We have lots of, and we have angel investors here like me. So many angel investors are also here. So it is very important for startups to connect with these organizations and take benefit as much as they can. Agar wo in the organization se connect karenge, to unko bahut fayda hoga, mentors milenge, aur unko paise bhi milenge. Agar plans successful hai hota hai, ya wo log convince kar paate hain angel investors ko ki unke plan mein jaane. ये आप मुझे बताएं कि प्रमुख तीन जो सेक्टर्स हैं स्टार्टअप के लिए या मेक इन इंडिया के लिए, वो कौन से होंगे इंडिया में या राजस्थान में? मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट फील्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड मच अबाउट इट, बट आई कैन टॉक अबाउट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। हर चीज में इनोवेशन की दरकार है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। एक बीघा में कितने बीज बोए गए और वहां से फसल कैसे बढ़े गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विकेट है। जो एक किसान आज एक बीघा में अगर होता है उसको एक एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, कैन यू डू एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 बाई यूजिंग टेक्नोलॉजी? व्हाट इट कैन बी इफ समबडी कैन फाइंड आउट द बेस, ही हैज एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी। इनोवेशन में का मतलब है कि आप कोई ऐसी चीज करें जो
या तो प्रोडक्ट को सस्ता कर दे या उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा दे। अगर कोई ऐसी चीज कर सकते हो आप, तो आपके लिए अनोखा सपोर्ट मिलेगा। तीसरी है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज एवर ग्रोइंग, तो ये अगर टेक्नोलॉजी पर आप फोकस रखेंगे तो आप इनोवेट भी कर पाएंगे और सॉल्यूशंस भी कर पाएंगे। आप सब लोगों को ऐसे सॉल्यूशन दे पाएंगे जो वो चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अपन ईमेल की बात करें या मोबाइल की बात करें, तो हमने नहीं मांगा मोबाइल चाहिए, समबडी थॉट अबाउट कि एक ऐसा फोन होना चाहिए जो आप लेके कहीं भी जा सके। समबडी इनोवेटेड है। हम तो वायर लाइन से भी पूछते हैं, घर पे भैंस वाला दूध आता था, रात सुबह निकलते थे और उसमें लेते थे, उनसे भी पूछते, थैली खाने लग गया। मार्केट में पानी मिलता था 25 पैसे का बॉटल में, जो घर पे देता था ग्लास में, ग्लास का पता नहीं साफ है गंदा है, अब हम बॉटल से भी भेजने लग गए। Somebody has to think and innovate and serve the unknown। थोड़ा सा आगे बढ़कर, आगे बढ़कर सोचना है कि आपने को कस्टमर को नहीं पता उसे क्या चाहिए, आपको सोचना है कि उसे क्या चाहिए और वो सर्व करें। If he really likes it, then you are endless achievements। मतलब वही हो गया कि necessity is the mother of invention, मगर हमें necessity का ज्यादा अभी dream दिखाना है, dream दिखाना है, लोगों को innovate करना है। तो हर तरह से innovation करना है, necessity also innovate, but we have to think, not always we can find out necessity, right? We have to find out what is there next, so a driverless car। लोग ड्राइविंग सीखते हैं, हम कहते हैं ड्राइविंग लेस कार, बिल्कुल रेसिंग हो रही है, फार्मूला वन रेसिंग हो रही है, ड्राइवर के साथ होती है, हम कहते हैं नाउ ड्राइवर लेस कार्स विल फाइट। ओके, कैन यू बिलीव देयर विल बी अ रेस वेयर देयर आर नो ड्राइवर एंड द कार्स आर फाइटिंग ईच अदर, दैट्स राइट। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? ड्रोन्स आ गए हैं, सो नाउ यू हैव ड्रोन रनिंग ओवर योर हाउस एंड फाइंडिंग आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। सो बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी हो रही है। आपके यहाँ पर कोरियर आएगा लस्सी की है, 5 मिनट में गंगानगर आपको ड्रोन लेकर के आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने हमें हमारे साथ इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों की आप लोगों को भी आज का ये एपिसोड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसी के साथ मैं आपसे दो लाइनें कहना चाहूंगी कि देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सफल बने हम सफल बने। और देखिए आ गया मेक इन इंडिया हमारे लिए सफलता का प्रथम चरण लेकर।